अब मैं जितना बोलती हूँ, क्योंकि मैं अगर बोलूंगी कि मैं पहले बोलती नहीं थी तो ममता जी को विश्वास नहीं होगा, यहाँ सामने डॉक्टर साहब को तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो स्कूल में बिल्कुल बोला नहीं करती थी मैं, शायद ही किसी ने मेरी आवाज सुनी हो, सिवाय तब जब टीचर्स कोई क्वेश्चन पूछती थी तो मैं एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हर क्वेश्चन का आंसर दे देती थी। पर बहुत तो मन में रहते ही हैं, तो कहीं ना कहीं तो निकलने ही थे, तो वो मेरी कविताओं में निकलते थे। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कवयित्री का दर्जा मिलेगा, या कभी मेरी कविताएं पब्लिश होंगी या मेरी किताबें पब्लिश होंगी। और आज 500 किताबें जी बिल्कुल। तो मैं तो इसे शौक की तरह लिखती थी, या ऐसे समझिए कि अपने मन के बहाव को किसी तरह जगह देने के लिए लिखती थी, क्योंकि जब नदी बहती है तो उसको किसी ना किसी समंदर में तो गिरना ही होता है, तो मेरा समंदर वो कविता थी। तो उसमें मैं ढालती रही और लिखती रही और अब ज्यादा तो नहीं, परंतु फिर भी एक कवि के रूप में मैं जानी हूं। तो जैसे प्रताप जी ने कहा कि हर कविता के पीछे एक कहानी होती है, तो ये जो कविता मैं अगली सुनाने वाली हूं, अगली क्या पहली, तो इसमें हुआ ये था कि हमारे स्कूल का गेट टुगेदर था। तो स्कूल के गेट टुगेदर, हमारा गर्ल्स स्कूल था, तो हमारे स्कूल की कुछ ऐसी खासियत थी, यहाँ पे मेरी एकाध सहेली को आप जानते हैं, तो हमारे स्कूल की लड़कियों की एक खासियत थी, ये पता नहीं हमारे स्कूल की खासियत थी या टीचर्स की खासियत थी, कि हमको उन्होंने सिखाया कि किसी भी चीज को मानना नहीं है आसानी से, हर चीज पे तर्क करते रहना है, और तब तक तर्क करना है जब तक जो आपके किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच जाओ। तो ये हमारे जहन में बस गया था कहीं, और हम जब मिले तो हमने पाया कि सबने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ी, कोई इन लड़ाइयों को हारा, किसी ने उस हार से कुछ सबक लिए और आगे बढ़ा, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो हरदम आगे ही बढ़ते रहे। पर इसमें मैंने देखा कि एक जोश होना बहुत जरूरी था, तो ये औरतों के जो एक फेस था, जो एक सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशन था, उसको दर्शाती हुई ये कविता मैंने लिखी थी, तो ये मैं आपके सामने पेश करूंगी। उससे पहले एक चार लाइन सुनाना चाहूंगी। ना कोई परिंदा पंख उधार देगा, ना कोई फरिश्ता आसमान से आएगा, ना कोई परिंदा पंख उधार देगा, ना कोई फरिश्ता आसमान से आएगा। जिस दिन तेरे जहन में हिम्मत का जुगनू जगेगा, तू अपने आप फलक पर पहुंच जाएगा। तो पेश है कविता का शीर्षक है औरत। हकीकत से दूर वो खाब बुनती रही, आसमान की नीली चादर पर वो सितारे चुनती रही। तब वो समय था जब हम अक्सर अपने ड्रीम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि ड्रीम्स हमारे सिर्फ शादी करने से कहीं ऊपर थे। तो हकीकत से दूर वो ख्वाब बुनती रही, आसमान की नीली चादर पर वो सितारे चुनती रही। कभी उंगलियों में दो डोरी डाल उससे प्रतिरूप बना लेती, कभी चाकरी में मांझा डाल उन्हें पतंगों सा उड़ा देती। जब पांव में कांटे चुभते खुद ही उन्हें सहला देती, जब पांव में कांटे चुभते खुद ही उन्हें सहला देती, जब आंखों से आंसू झरते वो मन को बहला लेती। धीरे धीरे सबल होता रहा मन और वो बड़ी होती गई, ख्वाबों की दुनिया में खोई वो अपने पांव पर खड़ी होती गई। जानती थी वो नहीं मिलता है कुछ थक हार कर, जब उसके चलने पर पाबंदी की गई उसने खोल लिए अपने पर। जानती थी वो नहीं मिलता है कुछ थक हार कर, जब उसके चलने पर पाबंदी की गई उसने खोल लिए अपने पर। वक्त चुनौती देता रहा वो वक्त से लड़ती रही, जब आंधियों ने उसे घेरा वो बिजली सी कड़कती रही। वक्त चुनौती देता रहा वो वक्त से लड़ती रही, जब आंधियों ने उसे घेरा वो बिजली सी कड़कती रही। थक
जाती तो हार जाती, वो हरदम चलती रही। थक जाती तो हार जाती, वो हरदम चलती रही। जैसा जैसा मंजर देखा वो वैसे वैसे ढलती गई। और अब जो एंड था, जब हम लोग सब मिले, धरा को महका जाती है जो, आज वो एक ऐसी नीली मोरनी है। धरा को महका जाती है जो, आज वो एक ऐसी नीली मोरनी है। आज मुखमंडल पर उसके सूरज सी रोशनी है। थैंक यू। अब मैं